प्रसाद है, मैं एक राइटर हूँ जी। मैं यूपी का हूँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट से। मुंबई में एक राइटर के तौर पे आने की कोशिश की और हम इसमें अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सर, मेरा स्टोरी एक ऐसा अजीब किस्म का स्टोरी है जो आजकल हमारे साथ में हो रहा है। हमारे फैमिली को अगर लेकर चलें या तो फिर अपने देश को लेकर चलें, और ये फिल्म अक्सर करके देखा जा रहा है कि इसको लेकर देश के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे इंसान हैं जिनकी वजह से जो भी मेल या फीमेल जो भी इंसान है वो ऐसे नाजायज़ कदम उठा लेते हैं जो अपनी परवाह न करते हुए भी अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर देते हैं। ताकि हम ये दिखाना चाहते हैं सबको कि ऐसा कोई ना करे और हमारे देश को अच्छे से आगे लेकर चलें, अन्यथा ऐसा ही अगर हुआ तो हमारा देश एक ना एक दिन तो बर्बाद ही हो जाएगा। जी, काफ़ी ऑफिस में गया हूँ मैं, उन ऑफिस के नाम तो नहीं ले सकता हूँ मगर जाकर काफ़ी आया, क्योंकि मुझे गेट के अंदर एंट्री तक नहीं दे सकते थे वो लोग। सर, जो भी कर रहा था मायूस तो हुआ, काफ़ी मायूस हो गया, पर मैं जाना चाहता था, मगर फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझे करके ही जाना चाहिए। आज अगर नाकामयाबी मिली तो कल को कामयाबी भी मिल सकती है। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक कुणाल फिल्म एंटरटेनमेंट से हुई और उन्होंने मुझे चांस दिया। तो आपकी एक फिल्म आ रही है, कितनी खुशी है उसको लेकर आपको? सर, मैं बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहले आप किससे मिलना चाहेंगे अगर आपकी फिल्म आ जाती है तो? सबसे पहला गुरु कौन होगा जिसको आप याद करेंगे? जी, सबसे पहला गुरु हमारा कुणाल एंटरटेनमेंट, उसके बाद में BNP म्यूजियम। नहीं, हम गाँव इस तरह से वापस नहीं जाएंगे। हमने काफ़ी मेहनत की है। अगर रहें बात करते हैं तो कि हम किस तरह से मुंबई में रह चुके हैं कुछ दिन पहले, तो कि जैसे कि दुकान अगर कहीं अगर बंद होती है शाम के टाइम पे तो हम वहाँ पे सोते थे, तो सुबह में उठकर अपना काम करते थे। वो हमें जॉब मिला था पहले गारमेंट लाइन से, और उसी को लेकर हम आज भी कर रहे हैं और साथ साथ में अपना फिल्म इंडस्ट्रीज में भी कदम बढ़ा रहे हैं। कैमरे के सामने आप पहली बार आप आए हो तो कैसा लग रहा है आपको? क्या खुशी है दिल में कि हम? सर, बहुत खुश, बहुत खुश हूँ, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों की दुआएं से हम एक ना एक दिन आगे निकल जाएंगे और बहुत जल्द ही निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी फिल्म बहुत जल्द ही शूटिंग इसकी स्टार्ट होने वाली है। सभी राइटर डायरेक्टर की कहानी है कि रोड पर सोए हैं, तो उसमें हो सकता है आपका नाम भी दर्ज हो जाए, क्या कहना चाहिए? शायद ये तो बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए जो इस तरह से हमारा भी नाम आ जाएगा। अपना आइडियल किसको मानते हैं जिसकी फिल्म देख कर आप बड़े हुए हैं? जी, अमित, अमित अमिताभ बच्चन। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो इसलिए। बाकी तो काफ़ी लोगों ने भी मेहनत की है मगर उस हिसाब से मेहनत नहीं की जिस हिसाब से अमित सर ने की थी।